गोरखपुर महानगर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक संपन्न। आज दिनांक 8 सितंबर 2024 को बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर महानगर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक का संचालन महानगर के महासचिव बृजनाथ मौर्य ने किया। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी ने कहा कि महानगर समाजवादी पार्टी अब बूथ स्तर पर पार्टी को जोड़ने का काम करेगी। 2022 में जो बूथ हम हारे हैं उस पर मजबूती से काम करने की जरूरत है और उसको मजबूत करके 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण सब पर खतरा है। भाजपा सन 2027 का चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मतदान के समय धांधली की तैयारियां कर सकती है। ऐसे में जन सामान्य जो मतदाता भी है उसे ही अपने अधिकार और वोट की रक्षा करनी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी है। भाजपा सरकार में लूट मची है, उसका रास्ता खतरनाक है। भाजपा सरकार हर स्तर पर विफल है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए रोज नया नया प्रोपगंडा कर रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत कर पीडीए का संदेश जन जन तक पहुंचाए। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता जफर अमीन डक्कू ने कहा कि भाजपा के प्रति जनता में भारी रोष है। व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, किसान महंगाई और कर्ज से परेशान है, उसकी आय दोगुनी करने का वादा जुमला निकला। नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, भाजपा सरकार में नौजवान हताश और आक्रोशित है। 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है, पूरे व्यापार पर कुछ उद्योगपतियों का कब्जा हो गया है। भाजपा सरकार में नफरत फैलाने और समाज को बांटने वाली नीतियों को हवा दी जा रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार और अत्याचार के रिकॉर्ड बन रहे हैं, लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। वैसे भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और पीडीए मिलकर सामाजिक आर्थिक न्याय की अंतिम लड़ाई लड़कर भाजपा की केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को सत्ता से हटाने का पूरा मन बना चुकी है। बैठक में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष रजनीश यादव, वरिष्ठ नेता अरविंद दत्त शुक्ला, हीरा लाल यादव, चंद्रभान प्रजापति, रौनक श्रीवास्तव, इमरान खान, पार्षद उजैर अहमद, पार्षद वजीअल्लाह अंसारी, पार्षद शाहिद अख्तर, पार्षद विवेक कुमार मिश्रा, पार्षद जुबैर अंसारी, पूर्व पार्षद मोहम्मद अख्तर, विशाल सिंह, अमर अग्रहरी, जनार्दन चौधरी, अशोक चौधरी, सच्चिदानंद यादव, इमरान दानिश अंसारी, अरविंद गोंड, नफीस अंसारी, डा आफ्ताब निजामी, फिरदौस आलम, अनूप यादव ईश्वर, नवाज लारी, रफीउल्लाह सलमानी, अरशद हुसैन, धीरज गुप्ता, राजप्ती यादव, रंजीत आर्या, शिवशंकर गौड़, प्रवीण चौधरी, गोली यादव, कंचन श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो ये मीटिंग हो रही है महानगर की, ये किस तरह की मीटिंग है, क्या एजेंडा है इस मीटिंग? देखिए, इसमें एजेंडा है कि बूथ तक हम लोग जाएंगे। 2022 में इन लोगों ने बूथ के हर विधानसभा में 25 से 30 हजार नाम कटवा दिया था और हम लोग उतना बूथ पर ध्यान नहीं दे पाए थे। दूसरे उसके बाद बेईमानी करके ये सरकार बनाए थे 2022 की। अब 2027 में हम लोग अभी से बूथ पर जा रहे हैं और बूथ पर जाके एक एक वोटर लिस्ट को देखेंगे कि किसका नाम है और किसी का नाम उसमें से कटता तो नहीं, तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे और उसके बाद बूथ पे तैयारी करेंगे और पीडीए को जोड़ेंगे। जो लोग पीडीए के छूटे हैं, जो लोग हमसे थोड़ा बहुत भी दूर हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे और जो अगली जात के लोग हैं उनको हम ये बताने का काम करेंगे हर बूथ पे कि समाजवादी पार्टी के साथ आइए, समाजवाद के साथ आइए। इसलिए कि यही पीडीए उनको भी सांसद बनाने का काम करेगा, जैसा कि राजीव राय को बनाया घोसी के अंदर, पीडीए के वोट से वो बने हैं। जिस तरह सनातन पांडे जी को बनाया है बलिया के अंदर, पीडीए के वोट से बने हैं। जिस तरह वीरेंद्र सिंह जी को बनाया है चंदौली से, तो ये पीडीए का जो की ताकत है उससे जो लोग समाज में उपेक्षित हैं अगली जातियों के, उनको भी हम सांसद बनाने का, विधायक बनाने का काम करेंगे। लेकिन हमारी पार्टी
जो मांग कर रही है इंडिया गठबंधन, जो मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और उस पर हम लोग कायम है ताकि किसका कितना हिस्सा है, कितना किसकी भागीदारी है, कौन कितना लेके हिस्सा दूसरे का भाग जा रहा है, ये सब देश के सामने आना चाहिए। और वो भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर लड़खड़ा गई है, उसको हर हाल में इसे लागू करना होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब भी पूरी तरह से इस मुद्दे से हिलने वाले नहीं है। हम पीडीए के साथ साथ इस मुद्दे को चला रहे हैं जो हम बूथ तक ले जाएंगे और बूथ को मजबूत करने का। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो जहां पर कांग्रेस की जो है सरकारें हैं वहां पर तो लागू नहीं हो रहा है ये जनगणना? नहीं, हर जगह लागू होगा, आप देखते जाइएगा। क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो लोकसभा के चुनाव के नाते कुछ दिन तक काम रुका था, अब उसमें काम शुरू हो गया और हो रहा है उन इलाकों, बहुत जल्दी रिजल्ट सामने आ जाएगा। नाम काटने की आपने बात किया तो खास तौर से हम इंगित करेंगे कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही इन्हें नाम काटे गए। जो समाजवादी पार्टी का बेस वोट है, अभी हमको दलित का वोट बहुत बड़ी संख्या में मिला है लोकसभा के चुनाव में, दलित समाज का वोट, अब ये उन दलित समाज के वोट को भी काटने का काम करेंगे। हमको इस पर भी ध्यान देना है, जो लोग समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं बहुत तेजी से, ये 2027 में उनके वोट को भी काटने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग बूथ पर जाके इस पे पैनी निगाह रखेंगे और उसकी हर तरह की तैयारी करेंगे। दो महत्वपूर्ण सवाल, पिछले दिन एक घटना घटी थी बीजेपी के एक विधायक ने बहन मायावती के खिलाफ अपशब्द कहे थे जिसका बड़ा मुखर रूप से अखिलेश जी ने उसका विरोध किया था, आप इसको कैसे देखते हैं? भाई हमारा पीडीए है और पीडीए की ही से रिलेटेड नेता है, लोग हैरत कर रहे थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब की नीयत साफ है। हमारे राजनीतिक वो अगर कहीं मनमुटाव है वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप किसी लोग अगर मुख्यमंत्री है दलित, तीन तीन चार चार बार मुख्यमंत्री रही हो, इतनी बड़ी पार्टी चला रही हो, उस पर इस तरह का आरोप लगा देना, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, पिछड़ी जाति की विरोधी है, खुलेआम विरोधी है, और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो उपेक्षित है अगली जात के लोग, उनकी भी वो घोर विरोधी है। वो सिर्फ दौलत वालों को तरजीह देती है और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी पार्टी के अंदर भी, जिस तरह आप हरियाणा में देख लीजिए क्या हालात हो रही है, जिस तरह का जम्मू कश्मीर के चुनाव में किस तरह के हालात है, इसी तरह के हालात हर जगह दिखाई देते हैं। क्या ये मान के चले कि जिस तरह से अखिलेश जी का मायावती जी के लिए सपोर्ट आया था तो बबुआ और बुआ फिर एक होने के राह पर है? तो ये सब तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है, लेकिन नहीं मायावती जी ने भी तो उनका स्वागत किया, उनके सपोर्ट करने का स्वागत उन्होंने भी तो किया। भारतीय जनता पार्टी परेशान बहुत रहती है कि कहीं ये ताकतें अगर एक हो गई तो हमारा क्या होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी परेशान होकर इस तरह की बात कर रही है। लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव साहब वो अपने इस फार्मूले को और इस पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है, इसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे बहन मायावती जी के लिए हो, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए हो, अगर कोई ऐसी बात करेगा तो उसके लिए उसके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब खड़े हुए। संभावना है? नहीं, संभावना तो राजनीति में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। एक अति महत्वपूर्ण सवाल, अभी विगत दिनों अखिलेश जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2027 में हमारी सरकार बन रही है और उस वक्त उत्तर प्रदेश के सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ रुख करेंगे। अच्छा, इसमें गलत क्या है? उन्होंने अगर कहा कि बुलडोजर गोरखपुर की तरफ रुख करेंगे तो 7 साल से गोरखपुर में कोई बता दीजिए कोई भी ओवरब्रिज बना, फ्लाई ओवर कोई बना? कोई नहीं बना। जितने भी फ्लाई ओवर गोरखपुर में बने हैं सब समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं, चाहे वो मोहद्दीपुर का हो, चाहे तरंग वाला हो, चाहे धर्मशाले वाला हो, चाहे नकहा वाला, जितने भी बने सब सुनिए समाजवादी पार्टी की ही सरकार में बना है। और बुलडोजर तो कोई वो है नहीं, जेसीबी मशीन है जो निर्माण के काम में आती है, किसी को उजाड़ने के लिए काम में नहीं आती है। आज तक उसको बुलडोजर कह के
लोगों को उजाड़ा जा रहा था। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जेसीबी भेज के, यानी जिसको बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी करती है, उजाड़ने का काम नहीं, अब उससे बसाने का काम होगा और गोरखपुर में डेवलपमेंट का काम होगा। जिस तरह से हमारी सरकार में सारे फ्लाईओवर बने और 7 साल में एक भी फ्लाईओवर गोरखपुर में नहीं बना, इन्होंने नाम बदल दिया, इन्होंने जेसीबी को बुलडोजर कह दिया, जिससे निर्माण का काम लेना चाहिए, जिससे विकास का काम लेना चाहिए, जिससे गरीबों को बसाने का काम लेना चाहिए, उसका उल्टा ये काम कर रहे हैं बुलडोजर से, उससे उजाड़ने का काम कर रहे हैं, उससे गिराने का काम कर रहे हैं, उससे तबाही ला रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव साहब ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश का बुलडोजर गोरखपुर में भेज करके विकास का काम उससे लिया जाएगा। वो बुलडोजर नहीं, वो जेसीबी है जिसको भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर बनाया है, हम उसको जेसीबी बनाकर विकास का काम करें। किशन जी ने सवाल ये बयान दिया था कि भेजने का काम करेंगे खत्म करने के लिए, भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक सवाल आएंगे गोरखपुर के सांसद हैं, उनसे पूछिएगा कि एनआरसी का हिमायत आपने किया, सीए कहीं है उसकी हिमायत आपने किया, बांग्लादेशियों के खिलाफ आप बोल रहे हैं, बांग्लादेशी को भारत में घुसने नहीं दिया जाएगा, जो लोग घुसपैठ किए हुए उनको निकाल के बाहर किया जाएगा और एनआरसी सीए लागू किया जाएगा, वो इस बात का जवाब दें जब बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ या हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ एनआरसी और सीए लागू किया जाएगा तो शेख हसीना को इतने दिन से अपने पास क्यों रखते, इस बात का जवाब दें। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ धर्म की बात करते हैं लेकिन धर्म पे काम नहीं करते हैं। और हम गंगे की चोट पे कह रहे हैं, जो महंगाई है, जिस तरह बच्चों को लोग स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मुसलमानों के घर के बच्चे तालीम में बहुत कम तादाद में है और पूरी आबादी 14% है, 100 में 14 बच्चे मुसलमान के नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन 86 बच्चे हमारे हिंदू भाई के नहीं पढ़ पा रहे हैं, महंगाई से 86% लोग ज्यादा पीड़ित है, 14% लोग पीड़ित नहीं है, इसलिए कि उन्होंने सरकार नहीं बनाया था, जिन्होंने सरकार बनाया था उनका उत्पीड़न हो रहा है और जिन्होंने सरकार नहीं बनाया था वो बर्दाश्त करके कह रहे हैं भाई महंगाई है तो सबके लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। तो ये हिंदू भाइयों को पूछना है और रवि किशन को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि 86% लोगों के लिए तेल सस्ता करो, 86% लोगों के लिए चिकित्सा सस्ता करो, 86% लोगों के लिए शिक्षा सस्ती करो, 86% लोगों के लिए महंगाई कम करो, 86% करो और 14% और बढ़ा दो, हमको कबूल है। मुसलमान कह रहा आजादी के बाद जिनको पाकिस्तान जाना था चले गए, अब जो हिंदुस्तान में रह गए हैं, मुसलमान कह रहा हम नहीं मजे में रहना चाहता, हमारा हिंदू भाई तो मजे में रहे, वो चाहता कि इनको सस्ता सामान दो, इनकी सस्ती शिक्षा करो, हमारी महंगी कर दो, हमने तुमको वोट नहीं दिया था, हमने तुम्हारी सरकार नहीं बनाया था, लेकिन जिसने तुम्हारी सरकार हिंदुत्व बनाया था रवि किशन जी, उनकी महंगाई कम करो, उनकी बस्तियों को तो मत उजोड़ो, उनका इनकाउंटर गलत तरह से तो ना करो, जो 86% लोग हैं। मुसलमानों कोई शिकायत नहीं, मुसलमान ही जानता है कि हमने सरकार नहीं बनाया था, हमारा उत्पीड़न होता है कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमान ही सब सोच में है कि जिसने सरकार बनाई थी हमारा हिंदू भाई 86% उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज मुसलमान है और बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ। इस मुद्दे का आखिरी सवाल ये भी था कि योगेशनाथ जी ने भी बुलडोजर प्रकरण में कहा कि अखिलेश यादव का सुधार करना चाहते हैं, मंत्री जी ने कहा देखिए ऐसा है कि टीपू सुल्तान ने रॉकेट की इजाद किया था जो आज मिसाइल है और इसी हिंदुस्तान से किया था अंग्रेजों को भगाने के लिए। अगर कोई टीपू सुल्तान बनता है तो देश का बड़ा कीमती आदमी होगा, बजाय ये कि कहीं किसी एक कोने में कहीं हम घंटी बजाएं और इस देश को बचाने के लिए टीपू सुल्तान, औरतें नंगी रहती थी, उनके सीने खुले रहते थे, टीपू सुल्तान की हुकूमत में पहला आदेश हुआ कि कोई भी महिला नंगी नहीं रहेगी, सबको वस्त्र पहनाया जाएगा। ये मनुवादी व्यवस्था की जो संविधान बदलना चाहते हैं, वैसे ही कानून लाना चाहते हैं जिसके खिलाफ आप सड़क से आगे इनकी अल्पमत में सरकार करने का काम यहाँ की जनता ने देशवासियों ने किया।
जफर अमीन डक्कू हम कहते हैं, गोरखपुर के भी सीनियर लीडर हैं और हम 1986 से सियासत में हैं। यहाँ से दो बार चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टी के जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं और आज भी प्रवक्ता के रूप में आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2027 में अगर सरकार बन जाती है तो सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ होंगे, जिस पर रवि किशन जी ने, जो गोरखपुर के सांसद हैं, उन्होंने पलटवार किया है और उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या उनका बुलडोजर गीता प्रेस या गोरखनाथ मंदिर की तरफ होगा। देखिए, आप लोग तो जानते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव विकास पुरुष है, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया, 6 लेन दिया और उनको पहचान, उनकी पहचान काम के बारे में होती है। तो मित्र, कोई सही बात कहने पर और उसका गलत रास्ता दिखा देना, यह भारतीय जनता पार्टी की खेल है। जो लोग पसीना न बहाए हों, जो लोग संघर्ष न किए हों, वो लोग सांसद जब बन जाएंगे तो इसी प्रकार की बचकाना हर सकते होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश जी को सपने देखने की आदत है, वो मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, 27 में सरकार आनी नहीं है। अब इसका जवाब तो जनता दे चुकी है, जिस प्रकार से संविधान पर कुदाराघात किया गया, जो लोग अपने आप को ईमानदार साबित किए, न्यायालय ने आईना दिखा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, 69,000 शिक्षक भर्ती के माध्यम से, अब वो क्या देखना चाहते हैं। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अगर जो जवाब जबरदस्ती ने किया गया होता तो यह दहाई नहीं पार कर पाते। तो आपको जनता बता चुकी है और किस प्रकार की सरकार केंद्र में चल रही है आप लोग देख रहे होंगे। इसलिए मित्र, हम रवि किशन जैसे लोगों की बात नहीं कर सकते हैं जो आम जनता के दर्द को न समझते हो और जिनका पैसा कुछ और हो, सियासत में ग्लैमर के नाम पर लाए जाते हो, जो किस लिए फेमस है आप जानते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं गांव की गलियों से और संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं और हम लोग सामाजिक ताना बाना और इंसानियत की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम समाजवादी हैं। हम लोग सही रास्ते पर चलना और सही रास्ते को दिखाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है, पीछे कुछ दिन पहले आपने नगर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया था जिसमें GIS और टैक्सेशन के विरोध में था जी, उस पर क्या अपडेट है, क्या रुख है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि अभी तक तो उस पर कोई वो नहीं आया है। समाजवादियों के जाने की वजह से आप लोग मीडिया के साथी हैं, अधिकारी बैकफुट पर हैं, लेकिन यह सरकार टैक्स बढ़ाना, उत्पीड़न करना, बिजली का बिल बढ़ाना, सिलेंडर का दाम बढ़ाना, महंगाई झोंक देना, इस सरकार की आदत और परंपरा रही है। हम समाजवादी लोग जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं और जैसा नेतृत्व का निर्देश लेकर के जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। सिर्फ 1 साल के लिए उसको पोस्टपोन किया, उन्होंने खत्म नहीं किया। यह दबाव देने से 1 साल के लिए पोस्टपोन हुआ ना, तो आप यह मान के चलिए हम लोग संघर्ष करेंगे और जनता उनको जवाब दे चुकी है। आने वाले 27 में परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो हम लोग आएंगे तो उसके जनता के हिसाब से ये सारे काम होंगे। और आपको बता दें, अभी 1 साल के लिए किए हैं, हमको जहां तक उम्मीद है कि समाजवादी संघर्ष करके प्रयास करेंगे रोकने का। तो जनता से आप क्या अपील करेंगे कि जो बढ़ा हुआ टैक्सेशन है उसको जमा करें कि ना करें? आपके माध्यम से ही ये जानकारी मिली है कि अभी 1 साल के लिए पोस्टपोन किए हैं, तभी जमा करने का सवाल कहाँ होता है। विजय बहादुर यादव, पूर्व विधायक, गोरखपुर ग्राम। आज की भी बैठक हो रही है, किस तरह की बैठक है? देखिए, आज गोरखपुर समाजवादी पार्टी महानगर की मासिक बैठक है। पार्टी के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होता है महीने की हर प्रथम रविवार को गोरखपुर समाजवादी पार्टी की महानगर की मासिक बैठक होती, उसी संदर्भ में यह मासिक बैठक हो रही है। बैठक का मुख्य एजेंडा यह है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी किन बूथों पे चुनाव हारी,
और समाजवादी पार्टी किन बूथों पे चुनाव जीती। अगर हम जिस बूथों पे चुनाव जीते हैं वहाँ पे और बेहतर तरीके से क्यों नहीं जीते, और जिन बूथों पे समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है उन बूथों की समीक्षा करके उन बूथों पर जातिगत नेताओं को लगाकर संगठन द्वारा उस बूथों की मार्किंग करके उस बूथ पे पार्टी को विजय दिलाने के लिए ये बैठक की जा रही है। क्या ये बाई इलेक्शन जो हो रहा है 10 सीटों पर उसकी भी रणनीति बनाई जा रही है, क्या उसकी भी तैयारी चल रही है? अब देखिए ये बाई इलेक्शन तो गोरखपुर के अगल बगल तो हो नहीं रहे, ये जो बाई इलेक्शन जिस जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की पार्टी की तरफ से अगर ड्यूटी लगाई जाएगी तो गोरखपुर के नेता अपना पसीना बहाकर वहाँ पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अखिलेश जी का एक स्टेटमेंट आया था परसों जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 2027 में हमारी सरकार बनती है तो अगर क्या उनका तो पूरा भरोसा है कि बनेगी तो पूरे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर गोरखपुर की तरफ रुख करेंगे, इसका क्या माना जाए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस बैठक में कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के सभी बुलडोजरों के रुख को गोरखपुर कर दिया जाएगा। उनका कहने का ये मतलब नहीं है कि बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में आएगा तो जगह जगह मकानों को दुकानों को तोड़ने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में रहकर गरीबों की जमीनों को हड़पा है, गरीबों के जमीनों को हड़प करके अपना मल्टीप्लेक्स मॉल बना लिया है, दुकान बना लिया है और तमाम लोगों की मकानों को हड़प करके जो गरीबों का हक मारा है, बुलडोजर की कार्रवाई उन पर होगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी तमाम ये जो नजूल लैंड और तमाम जो कानून ला रहे हैं ये सिर्फ अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए ला रहे हैं, ऐसी सभी जमीनों को चिन्हित करके उसको बुलडोजर चलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों से छीन कर कब्जा करने का काम किया। तो क्या हम ये मान के चले कि गोरखपुर में अगर 2027 में आपकी सरकार आती है सपा की तो गोरखपुर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट जो है फ्लड दिया जाएगा? नहीं, डेवलपमेंट गोरखपुर में हो कहा रहा है? गोरखपुर में आप बता दीजिए कि कौन से अभी तक के पुल बन के तैयार हो चुके हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में? आप देखिए कि यहाँ पे पैडलेगंज में पुल बन रहा है जो पिछले 5-7 साल से काम चल रहा है तो चल रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। आप बताइए जगह जगह गोरखपुर में विकास के नाम पर गड्ढे कर दिए गए हैं, गड्ढों को जगह जगह करके छोड़ दिया गया है, कोई परियोजना नहीं है। सारा काम तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, गोरखपुर से लेकर कमरिया घाट तक का पुल समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, नकहा वरगुरी समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, रामगढ़ताल परियोजना समाजवादी पार्टी की सरकार में आई, चिड़ियाघर बसपा सरकार में नींव रखा और समाजवादी पार्टी ने उसको पूरा कराया। तमाम जो प्रोजेक्ट है, आपका मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का एनसेफेलाइटिस वार्ड बनाया, कैंसर वार्ड बनाया, सब तो काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या किया गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बताया? हाँ, नया ये हुआ है कि गोरखपुर के उन नौजवानों ने, उन बेरोजगारों ने, उन किसानों ने, गोरखपुर की महान जनता ने उनको 5 बार से सांसद बनाकर अपने सरों पर बैठाने का काम किया और 1 बार उत्तर प्रदेश का, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। मगर गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर की महान जनता को अगर इनाम में कुछ दिया है तो हाउस टैक्स की मार दी है। हाउस टैक्स के नाम पे गोरखपुर की महान जनता से 50% 70% कर वसूली की जा रही है और सरकार अपने खजाने को भर रही है। क्या गोरखपुर की जनता ने योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यही दिन देखने के लिए बनाया था कि जिस घरों में 10% हाउस टैक्स आते थे वहाँ 90% 100% टैक्स आ रहे हैं? आपने पीछे जो है ज्ञापन दिया था इस GIS टैक्स के विरोध में, उसके बाद आपने ये भी कहा था कि अगर सुनवाई नहीं होगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी, तो उस पर क्या अपडेट है? समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन देकर वहाँ पे अपनी बात को रखा था। गोरखपुर समाजवादी पार्टी आज के बाद से ही बहुत बड़े पैमाने पे नगर निगम को घेरने का तैयारी में लग चुकी है। 1 हफ्ता और 10 दिन के अंदर कम से कम 2 से 3 हजार की तादाद में कार्यकर्ता गोरखपुर नगर निगम में GIS के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे और उसके बाद भी अगर गोरखपुर नगर निगम के प्रशासन को सुध नहीं आई तो समाजवादी पार्टी का आंदोलन उग्र भी हो सकता है गोरखपुर की जनता के लिए। शब्बीर कुरैशी, महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी।